और नाडा पारा से इस बिजनेस को आज से 5.5 साल पहले मैंने सामान यूज करने के नाम से ज्वाइन किया। मेरे अपलाइन हैं आज का विजिटिंग लीडर रोहित निर्मलकर, मैं उसके सम्मान में जोरदार ताली जाऊंगा। 5 महीने तक कि मेरे को कोई समझ में नहीं था, लेकिन मैं सामान यूज कर रहा था और इसके दौरान मेरे अकाउंट में जो इनकम आया वो था 3450 रुपया। और यहाँ से मैंने शुरुआत किया 2015 में। 2016 में मैं फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर बना 3%। इसके बाद से मैं फुल टाइम बिजनेस को किया और लगातार मेरे लेवल, मेरे इनकम बढ़ते गए और आज स्टार पर टेक्निकल जैसे लेवल के हूँ। अभी तक का मैं हाईएस्ट इनकम 93,000 से ऊपर ले चुका हूँ और टोटल इनकम की बात करें तो 36 लाख ले चुका हूँ। तो देखिए, आरसीएम कई लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो आरसीएम कर रहे हैं हम। यहीं पर थोड़ा सा फेल हो जाते हैं, हम आरसीएम नहीं कर रहे हैं दोस्त, आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। और लोग अमीर बनता है बिजनेस से, नौकरी करके, मजदूरी करके या किसानी करके कोई व्यक्ति सपना पूरा नहीं कर सकता, अमीर बन नहीं सकता, लेकिन बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस अगर हम करते हैं तो बहुत बड़े लागत की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है तो आपके फैसले की। हेलो, आपके फैसले की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में आने के बाद। अगर आपको कामयाबी दूर लगती है तो थोड़ा सा लागत लगा लेना, थोड़ा सा लागत। अगर 10,000, 20,000, 25,000 की लागत लगाती है तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो चीज है, इस बिजनेस में आने के बाद आप लागत लगा लिए हैं तो आपको लगन लगाना है, लगन, क्योंकि इस बिजनेस में बड़ा रकम नहीं लगाए जाते हैं। इस कारण से कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आपके लगन ही आपके कामयाबी तक पहुंचाएगा। और तीसरा और अंतिम जो चीज है वो है मगन, क्योंकि उत्साहित कहते हैं कि मायूसी और कमजोरी जिसके चेहरे को सिंगार करती है, मां कसम मच्छर भी बैठने को इनकार करती है, मच्छर भी बैठने को इनकार करती है। जय।